कल कराए थे अच्छी बोला ना, हाँ कल जो कराए थे सवाल इस ढंग का था लगता है। ऐसे है ना, कल वाला सवाल ये था ना, चेक यही सवाल है एकदम। एक बारी वाला सवाल कहा था ना, वेलोसिटी वाला, वो देखो यहां, इसमें यही वाला मैंने सवाल हम करवाए थे कि ई जा रहा है 10 से, कितना से जा रहा है 10 से, कि अगर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से तो बताओ कि इसमें लिखे थे ए और बी, कि हम लोग को लग रहा है कि ई जा रहा है 10 के स्पीड से, तो बताओ कि इसके बारे में वेलोसिटी क्या होगा। तो उसमें सवाल का आंसर करवाए थे तो बताए थे कि जब 10 से जाएगा इधर तो इधर कितना से आएगा 20 से, 20 से दो रस्सी मिला ना, इधर जाएगा 10 तो 10 यहाँ लूज होगा और 10 यहाँ लूज होगा तो कितना नीचे आएगा ये 20। लेकिन 20 हम लोग को नहीं लगेगा बाहर से, जो इस पर बैठ करके देखेगा उसको लगेगा कि कहाँ जा रहा है 20 से, और हम लोग को लगेगा कि 20 से इधर भी जा रहा और 10 से, फिर दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ देंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया है। अभी सवाल ये है, इसमें आपको पता है कि क्या हम लोग पूछेंगे कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। सवाल होगा हमारा कि फाइंड एसी लरेशन एंड टेंशन, कैसी लरेशन बताइए और क्या बताइए टेंशन। हाँ तो हम बता दें कि सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं, जल्दीबाजी में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पार्ट बाय पार्ट समीकरण को लिखने के लिए सीखेंगे, जिसे पिछले क्लास में लिखने के लिए सीखे थे। तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो जिसका एक्सप्रेशन निकालना है उसी के बारे में ना मानेंगे। हमें बड़ा एम और छोटा एम का तुरंत चाहिए, तो मान लो कि बड़ा एम इधर जा रहा है कितना एक्सीलरेशन से, ए से माना हुआ है मेरा, क्योंकि यही तो निकालना है। तो मान लो कि बड़ा एम जा रहा है कितना से, ए से, तो छोटा एम भी इधर जाए कितना से, ए से, सही कि नहीं। जब बड़ा एम ही जा रहा है ए से, छोटा एम भी जाएगा इधर ए से, लेकिन हम लोग जब बाहर से देखते हैं तो लगता है कि ये तो जा ही करे, मतलब जा ही रहा है ऐसे, लेकिन धीरे धीरे कहाँ गिरेगा, नीचे भी गिरेगा। तो मान लेते थे कि नीचे गिरेगा कितना से, बी से, कितना से बी से, और सबसे पहले हम ए और बी में एक रिलेशन लाते थे कि ए और बी में क्या रिलेशन है। जैसे कि पिछला सवाल में आया था ए बराबर बी, तो सवाल में क्या आया था, ए बराबर बी, वैसे हम देखते हैं कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन हम लोग किस मेथड से निकालेंगे, टेंशन वाला से, है कि नहीं। कि पहले तो जहां जहां है टेंशन वहां टेंशन दिखा दीजिए भाई, तो इस तरह से चलो हम दिखा दिए, इसमें कौन सी साहब टेंशन दिखा दिए, और यही बात आपको पता चल गया था कि कौन कितना होता है थीटा, सही कि नहीं। हाँ बस रियाज करा रहे, पिछले ही सवाल जैसा ही भी सवाल है, खाली इतना एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है कि नहीं, ध्यान सुनो। था तो हम लोग लिखते थे पहले ये वाला कहानी कि जोड़ के आना चाहिए टी डॉट ए का मान कितना, 0। अच्छा तो ई जो टी है किस पर लग रहा है, बड़ा एम पर, तो बड़ा एम जा रहा कितना एक्सीलरेशन से, आज पर कितना लग रहा है टी है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो लिखा आएगा टी ए कॉस 0 डिग्री, टी ए कॉस 0 डिग्री। ई टी तो लग रहा पुल्ली पर, आई भी टी पुल्ली पर, ई भी टी पुल्ली पर, और ई भी टी पुल्ली पर, और ये दोनों पुल्ली किससे फिक्स है,
दीवाल से दीवाल तो चलेगा नहीं, इसका मतलब चारों टी का टी डॉट ए कितना आएगा, चार बार जीरो आएगा ना, एक्सीलरेशन हाई है ना इसमें, ये पुली चल रहा है दोनों, ये दोनों पुली चल ही नहीं रहा है क्योंकि दीवार से क्या है फिक्स है, चल ही रहा है ना, ये तो पुली दीवार में फिक्स है, तो दीवार में फिक्स है तो उसका त्वरण है, उसमें कहां है एक्सीलरेशन है, इसलिए उसका त्वरण का मान कितना आएगा जीरो। जब त्वरण है जीरो तो फिर कौजिया कॉस थीटा कहां लगाएंगे, एक दो तीन चार हो गया, यहाँ आइए क्या ये वाला टी लग रहा है पुल्ली पर, अब पुल्ली इसी ब्लॉक का हिस्सा है कि नहीं, पुल्ली भी तो इसी ब्लॉक का ना हिस्सा है, जब पुल्ली इसी ब्लॉक का हिस्सा है तो लिखाएगा टी ए कॉस जीरो डिग्री, टी ए कॉस जीरो डिग्री, यहाँ टी इधर है आए भी ई वाला टी इधर है ना, ए तो इधर है ना, तो इसका लिखाएगा टी ए कॉस 180 माइनस थीटा, बताए थे कि टी लग रहा है चूंकि ऐसे और ए है इधर, ये लकोण में कितना बन रहा है थीटा, तो यहाँ कितना बनेगा 180 माइनस थीटा, टी ए कॉस 180 माइनस ईटी का कहानी हो गया भाई। अब ईटी के बारे में, तो ईटी के बारे में लिखाएगा एगो टी ए कॉस थीटा, क्योंकि ईटी तो लग रहा है छोटा एम पर, छोटे को तो दो एक्सप्रेशन है, एक ए और एक तो ये टी और ए के बीच में कितना होगा यहाँ थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा ही बनेगा, इसे पीछे बढ़ाएगा तो पता चल जाएगा थीटा बनेगा, टी ए कॉस थीटा और टी बी कॉस 180 बराबर जीरो। तो हम क्या बताएं कि टी ए कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, आई कॉस थीटा कहानी क्या हो जाएगा खत्म, टी ए कॉस 01 टी ए कॉस 01 मतलब टी ए टी ए टू टी ए, तो टू टी ए कॉस जीरो तो नहीं हो गया बराबर माइनस टी बी होती नहीं, या कॉस 180 माइनस 1 तो माइनस टी बी बराबर जीरो, इसलिए आएगा बी बराबर टू ए, बी बराबर कितना आएगा, हाँ पिछले क्लास में आया था बी बराबर ए, बी बराबर आ जाएगा बी बराबर टू ए, मतलब ये चलेगा ए के एक्सीलरेशन से तो ये चलेगा 2a के एक्सीलरेशन से, 2a बोलना है, ये चलेगा a के एक्सीलरेशन से तो ये चलेगा 2a के एक्सीलरेशन से, सही कि नहीं, ये कहानी तो खत्म हो गया। अब हम क्या करें कि जहां जहां b है वहां वहां क्या यूज करेंगे 2a, क्या यूज करेंगे 2a, खैर सबसे पहले हम आपको फ्री बॉडी डायग्राम खींच के दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग किसका खींचेंगे पहले बड़ा एम का, किसे खींचेंगे बड़ा एम का खींचेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ध्यान सुने, तो बड़ा एम का कहानी यहाँ पर दिखाते हैं आपको हम सब कुछ करके एकदम, ई वाला हो गया बड़ा एम, सही कि नहीं, तो बड़ा एम का गुरुत्वाकर्षण बल होगा एम जी की नहीं, अच्छा चूंकि जिस सरफेस पर रखा हो उसे कॉन्टेक्ट भी है कि नहीं, तो उसके चलते एगो एन डैश एन डैश, अच्छा क्या बड़ा एम का दुगो रस्सी से भी कॉन्टेक्ट है, अच्छा पुल्ली किसका हिस्सा है बड़ा एम का ही, तो एक बार टी यहाँ लगे कि नहीं और एक टी यहाँ लगे कि नहीं और एक टी यहाँ लगे कि नहीं, देख लो पुल्ली भी तो बड़ा एम का ही ना हिस्सा है, पुल्ली किस में फिक्स है बड़ा एम में, तो पुल्ली पर जहां जहां रस्सी टी टी और टी, अच्छा ई एम ई एम आपस में कॉन्टेक्ट है कि नहीं, तो कॉन्टेक्ट के चलते वो हुआ ना कॉन्टेक्ट फोर्स होगा कि नहीं, हाँ ई वाला होगा कॉन्टेक्ट फोर्स जिसका नाम होगा एन, और ई कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा थीटा, और यहाँ भी कोण कितना बनेगा थीटा, सही कि नहीं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर जा रहा है कितना एक्सीलरेशन से, एक्सीलरेशन से, सही कि नहीं, तो इसको थोड़ा और तोड़ देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा तो पता चल जाएगा, यहाँ पर मान लो यही हो गया हमारा एम, तो क्या नीचे कौन लगेगा बोलो एम जी, कौन लगेगा ऊपर कौन लगेगा एन डैश, कौन लगेगा एन डैश, अच्छा इधर कई गोटी है तो दो गोटी इधर लगेगा, तो टी और टी दो गोटी ना, देख लो अच्छा ई टी को तोड़ेंगे कि नहीं, इधर जाएगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, इधर जाएगा टी साइन थीटा, ई टी को तोड़ रहे हैं एन टी कॉस थीटा और नीचे की तरफ टी, फिर एन को तोड़ेंगे इधर एन कॉस थीटा नीचे की तरफ कितना एन कॉस थीटा उधर एन साइन थीटा, इधर आएगा एन
साइन थीटा। और इन्हें सब देख लो, एम जी हो गया, एनडेस हो गया, ये दोनों खत्म, टी और टी तो दो गो टी हो गया। अब टी को तोड़ेंगे तो एक टी कॉस थीटा और एक टी टी कॉस थीटा और टी, एन को तोड़ेंगे एन कॉस थीटा और एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। और ये पूरा सिस्टम जा रहा इधर कितना एक्सेलरेशन से, ए से। तो समीकरण बनाएंगे टू टी प्लस एन साइन थीटा, क्या लिखेंगे हम लोग, टू टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा बराबर मास इनटू एसी। इसको तुम अच्छा से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकता है कि एन साइन थीटा प्लस टी कॉमन लेकर के टू माइनस कॉस थीटा बराबर मास इनटू एसी। ये हो गया समीकरण नंबर एक, सही है। अब हम बाई के तरफ क्या लिखेंगे, बोले एन डैश बराबर, सब वहां देख के बोलो तो एन डैश बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, एम जी प्लस एन कॉस थीटा प्लस टी साइन। ये हो गया इक्वेशन नंबर दो, सही करें। बड़ा एम का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे, छोटा एम का, किसका बनाएंगे। अच्छा, छोटा एम का कहानी कुछ ऐसा है कि नहीं, छोटा एम का कहानी कुछ ऐसा है, आई एंगल यहाँ कितना है, थीटा है। अच्छा, इसमें इधर कितना लगेगा, एन, और नीचे कितना लगेगा, एम जी, और इधर एक टेंशन टी होगा, सही कि नहीं, यही ना होगा। छोटा एम का अपना मास एम जी, कॉन्टेक्ट के चलते एक नॉर्मल, और 80 के चलते एक टेंशन। चलो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एम जी को तोड़ लेंगे, एम जी को तोड़ लेंगे, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा, सही है। अब इसके एक्सीलरेशन के बारे में बात करते हैं, क्या इसका एक्सीलरेशन इधर बी था, इधर कितना था, बी, तो बी का मतलब लिख ले टू ए, बी का मतलब टू ए लिख लेते हैं, बी का मतलब टू ए लिख लेते हैं। क्या इधर भी एगो ए है, इधर भी ए है कि नहीं, एगो आई कौन कितना होगा जी, तो क्या इसको तोड़ के लिख लें कि इधर होगा ए कॉस थीटा, ए इधर ए साइन। अच्छा, तो हम अब समीकरण लिखते हैं, हम समीकरण लिख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की ओर, किधर की ओर, इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन इधर है ना, बोलो क्या लिखाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस टी बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन आगे 2a, अब पीछे a cos थीटा, पीछे a cos, इस समीकरण नंबर क्या हुआ, 3। अब इधर लगाएंगे ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडी mg cos थीटा, बोलो सब mg cos माइनस n बराबर ma sin थीटा, समीकरण नंबर 4। फिर वही बात हम बताएंगे कि समीकरण नंबर 3 से टी का, नहीं, 3 से टी का और 4 से एन का, 4 से एन का मान किसमें रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर, देख लो यहां से टी का मान और यहां से निकाल के कहां रखेंगे, एक में, तो एन का मान रखा जाएगा, टी का मान रखा जाएगा, तो एक के रूप में आएगा सब, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए, फिर ए निकल जाए तो क्या निकाल सकते हैं, बी, बी बराबर टू ए, बी बराबर, हाँ यही काम पिछला बार भी करने के लिए बोले थे कि समीकरण एक से, तीन से टी का मान निकाल लो और 4 से एन का मान निकाल लो, आई एन और टी का मान किस में रख दो, समीकरण एक में, यहाँ एन रख दो और यहाँ टी रख दो, तो आपका ए का आंसर आ जाएगा, जब ए आएगा तो फिर टू ए भी आएगा, मतलब बी आ जाएगा, तो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए और बी का वेक्टर जोड़, ए और बी का वेक्टर के तरीका से जोड़ेंगे, क्योंकि कौन थीटा यहां बने थे, यहां बनेगा 180 माइनस, तो ए और बी को 180 माइनस थीटा पर जोड़ देंगे, तब आ जाएगा इसका आंसर छोटा एम का, और बड़ा एम का आंसर तो सिर्फ कौन रह जाएगा, ए। खैर हम ये करने नहीं जा रहे हैं, फिर आपको बता रहे करके देखिएगा, हम आंसर ला के दिखाएंगे दूसरे तरीका से आगे बढ़ करके। तो चलो हम एक बार और सिखाते थे आपको फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे बस इससे कुछ होना जाना नहीं, ये जो हम करते हैं इससे कोई बहुत फायदा नहीं होता है, बस हम लोग रियाज करते हैं कि आता है करने के नहीं आता है, दो चार बार लिखते हैं मुंह बहाने,
टी हो गया छोटा एम, क्या हो गया ये छोटा एम, आई हो गया एंगल कितना आई चिट्टा। तो बताओ एक बल यहाँ कितना लगेगा नीचे की ओर, एम जी, एम जी ना। अच्छा इधर कितना लगता है गो एन, इधर कितना लगता है गो टी। अच्छा अगर हम इसको सोचें कि ई कोण कितना है, तो क्या ये भी कोण थीटा होगा, हाँ ये भी कोण थीटा होगा, सही कि नहीं। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम किसका, छोटा एम का। फ्री बॉडी डायग्राम किसका हो गई, छोटा एम का। फिर कहीं जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो हम यहां आ जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका, छोटा एम का। तो क्या छोटा एम का ही कहानी है कि नहीं, इंक्लाइन प्लेन पर चल रहा था ना, तो इस पर एक बल कितना लगेगा नीचे, mg। कितना लग रहा था नीचे, mg। अच्छा ये एंगल कितना है यहाँ, थीटा एंगल। अच्छा तो यहाँ आ रहा है mg, यहाँ क्या आएगा एगो n, यहाँ आएगा एगो t। आई कौन होगा आ, तो जब ये कौन थीटा, तो ये भी कौन कितना होगा थीटा। फिर 90 माइनस थीटा, आई कौन भी कितना होगा थीटा, सही है कि नहीं। आई थीटा ही 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये कोण कितना होगा थीटा होगा। हम देखते हैं पहले, इस बार हम सॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर हम सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमको टी को तोड़ना पड़ेगा ना, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, सही कि नहीं। क्या एन को भी तोड़ना पड़ेगा, इधर n cos theta, n cos theta, इधर n sin theta। अब देखते हैं एक्सीलरेशन, जिसका एक्सीलरेशन इधर कितना है a, इधर कितना था 2a, इधर कितना है अब, हाँ अभी के जगह क्या बोलना है 2a, तो क्या 2a को तोड़ा जाएगा। तो जब 2a को हम तोड़ेंगे, 2a को जब, तो इधर एक्सीलरेशन कितना आएगा 2a cos theta, 2a, और नीचे कितना आएगा 2a sin theta। अब लिखते हैं समीकरण, x के तरफ बोलो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x के तरफ बोलो, n sin theta, n sin theta, हाँ इधर या उधर का, इधर से लिखेंगे तो इधर लिखेंगे n sin theta माइनस टी कॉस थीटा, एन साइन थीटा माइनस बराबर मास इनटू टू ए कॉस थीटा माइनस ए, टू ए कॉस थीटा माइनस ए, सही कि नहीं। ये हो गया हम लोग का समीकरण नंबर 5, 5 ना। और बाई की तरफ अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम जी माइनस टी साइन थीटा माइनस, माइनस हो जितने फिर हो, जिसे प्लस में लिखी तब ब्रैकेट में लिखी ना, और फिर माइनस में जीती तो माइनस हो जीती ना, एम जी माइनस है ना, तो माइनस दोनों कर दिलिए, बराबर मास इनटू टू ए साइन थीटा, मास इनटू, हाँ हम बालू को बोलते हैं इससे कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले ये है एन और टी के रूप में समीकरण है कि नहीं, ये भी एन और, हाँ तो याद, तो एकरा में गुना कर लो साइन थीटा से, एकरा में गुना कर लो कॉस थीटा से, आप ये दोनों को घटा लो तो टी वाला कट जाएगा, तो एन वाला कुछ आ जाएगा आंसर के रूप में। आ या तो एन वाला कटवाना चाहता तेरा गुना कर लो साइन थीटा, नाम गुना कर लो कॉस थीटा, दोनों को जोड़ो तो एन वाला कट जाएगा, तो आंसर वाला किसका आएगा टी के रूप में, टी आया कुछ ए के रूप में, टी आएगा कुछ, ये भी टी आले कुछ ए के रूप में, तो यहाँ से फिर टी का मान निकल जाएगा और ए का मान निकल जाएगा। लेकिन ये तरीका पर हम ज्यादा नहीं ध्यान देने जा रहे हैं, इसमें हम ज्यादा ध्यान इस पर दिलाते हैं कि समीकरण 3 से टी का मान और समीकरण 4 से एन का मान निकालो और कहां रख लो, एक में आपका आंसर आ जाएगा। खैर हम लोग मेन अब क्या सीखने जा रहे हैं पता है कि नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सिस्टम किसका, और बार बार हम बताते हैं और फिर से आज बता रहे हैं कि सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम लिखने के वक्त ध्यान देना होता है कि मान लो कि सिस्टम किन चीजों से मिलकर बने हैं, तीन पार्टिकल से, तो समीकरण में ऐसे लिखा जाएगा कि बाहर से लगने वाला बल सिस्टम पर, बाहर से लगने वाला बल बराबर सिस्टम के अंदर में जितना भी बॉडी है सबका मास इनटू एसी, जितना भी बॉडी है सबका मास इनटू एसी, ऐसे समीकरण लिखा जाता है। तो हम पहले सिस्टम को
बनाते हैं कि मेरा सिस्टम कौन है। सिस्टम है मेरा एक बड़ा ब्लॉक जिसमें लगा हुआ एक है पुल्ली, नहीं इस पर रखा हुआ कौन ब्लॉक है वो छोटा ब्लॉक। हम ये ध्यान रखेंगे कि बड़ा एम और छोटा एम के बीच आपस में लगने वाला बल को नहीं लिखा जाए और बाहर से लगने वाले बल को लिखा जाए। तो जैसे कि यहाँ पर एक दीवार बल लगा रहा है टी, यहाँ भी दीवार बल लगा रहा है टी, यहाँ वाला टी तो आपसी वाला बात हो जाएगा, ई और टी तो पुली और इसके बीच होगा ना, इन्हीं लिखेंगे हम लोग। इसका एक गुरुत्वाकर्षण अपना एम जी, इसका भी एक गुरुत्वाकर्षण अपना एम जी, और इसका अपना एक नॉर्मल रिएक्शन एन डैश। सही के लिए इसके इसके बीच का टेंशन लिखाएगा, ये तो पुलिसी का ना हिस्सा है, ये तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसके इसके बीच का जो नॉर्मल है कॉन्टेक्ट फोर्स लिखाएगा नहीं लिखाएगा, मतलब इतना ही लिखाएगा। अब दिखाते हैं इसका एसी, तो बोलो इसका एसन किधर कितना है ए, और इसका तो इधर भी है ए और इधर है टू ए, इधर कितना है आई कौन कितना है थीटा। सही कि नहीं? तो हम समीकरण लिखने जा रहे हैं एक्स के तरफ, किधर लिखने जा रहे हैं एक्स के तरफ हम समीकरण लिखने जा रहे हैं। तो एक्स के तरफ जब हम समीकरण लिखेंगे एक्स के तरफ तो लिखाएगा टू टी, क्या लिखाएगा टू टी। अच्छा इधर कोई फोर्स है, बोलो कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स है इधर कोई फोर्स नहीं, सिर्फ टू टी बराबर बड़ा एम का एस मास इंटू बड़ा एम का एसी, छोटा एम का मास इंटू छोटा एम का एसी ए माइनस टू ए कॉस थीटा। बुझा रहा है, एगो ए एगो टू ए को तोड़ेंगे तो इधर टू ए कॉस, तो ए इधर है और टू ए कॉस थीटा इधर है, तो ए माइनस टू ए कॉस थीटा। ये हम बोले थे समीकरण नंबर सात। अब हम लोग किधर लगाएंगे बाई के तरफ, तो बाई के तरफ बोलो कितना होगा नीचे एम जी और एम जी, नहीं बड़ा एम जी और माइनस एन डैश बराबर। बड़ा एम में कोई एक्सीलरेशन बाई के तरफ नहीं है, लेकिन छोटा एम में होगा टू ए साइन थीटा। छोटा एम में कितना होगा प्लस में, छोटा एम में टू ए साइन थीटा। इसे समीकरण नंबर कितना मानते थे आठ। इसी तरह का समीकरण लिखने के लिए सिखाते थे। और हम आपको बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम समीकरण सात से टी का मान निकाल के समीकरण नंबर तीन में रख देते हैं। सही कि नहीं? समीकरण सात से टी का मान निकाल के समीकरण तीन में रख देते हैं। सात से टी का मान किसमें रखने पर, तीन में रखने पर, तीन में रखने पर। तो समीकरण सात से टी का मान निकालेंगे और किसमें रखेंगे हम लोग समीकरण नंबर तीन में। तो चलो तीन लिखते हैं, एम जी साइन थीटा माइनस टी, माइनस माइनस टी का मतलब एम ए प्लस एम ए इंटू वन माइनस टू कॉस थीटा। सही चल रहा है सब कुछ। अब बटा दो, बटा दो इन होले टी, एम ए प्लस एम ए कॉमन वन माइनस टू कॉस थीटा बटा दो बराबर बोलो एम इंटू एम इंटू ए कॉमन ले लेते हैं और टू माइनस कॉस थीटा। एम इंटू ए कॉमन ले लेते हैं और टू माइनस समीकरण तीन से ए कॉमन ले लिया, टू माइनस कॉस थीटा। एलसीएम कितना ले लेते हैं दो, किधर हो जाएगा टू एम जी साइन थीटा, टू एम जी माइनस एम ए माइनस एम ए, यह तो होगा एम ए लेकिन हो जाएगा माइनस एम ए, ये होगा माइनस में न, तो हो जाएगा फिर प्लस में टू एम ए कॉस थीटा, टू एम ए बराबर ये दुगुना होगा ना, टू एम ए टू एम अगुने दो बराबर चार एम ए माइनस टू एम ए कॉस थीटा, टू एम ए कॉस थीटा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो जो ए वाला है ना सभी कहां ले आओ इस तरफ, तो चार एम ए में एक एम ए आएगा तो पांच गो एम ए, क्या एगो बड़ा एम ए आएगा नहीं आएगा, आई दो दो माइनस माइनस चार ना, माइनस चार एम ए कॉस थीटा। समझ आया कि नहीं? एम ए इधर आएगा तो प्लस एम ए, ई एम ए इधर आएगा तो प्लस पांच एम ए, ई आएगा इधर तो माइनस, तो माइनस चार एम ए कॉस थीटा बराबर होगा 2mg sin थीटा। 2mg क्या a सबसे कॉमन है?
तो ए बराबर आ जाएगा 2mg साइन थीटा बटा एगो बड़ा एम पांच गो छोटा एम और माइनस 4m cos थीटा 4m ये हमारा आएगा ए का ऐसे। तो क्या बी आ जाएगा यहां से? हाँ, आपको क्या करना, हम यही मेन सिखाने वाली बात है। दो बार हम लोग ध्यान देते हैं, दो चीज पर ध्यान देना। क्या चीज? एक तो तीन और चार का उपयोग करके मान निकालो और कहां रखो? एक में। या तो आप क्या करो कि समीकरण तीन और किसको पकड़ो? सात को। तीन को और सात तो रट्टा नहीं मारना है कि तीन को पकड़ना है और सात को। उन्हें मैंने पूरे सिस्टम पर किधर बल लगाओ? एक्स देने एगो छोटका पर किधर लगाओ? इंक्लाइन प्लेन। इस पॉइंट पर ध्यान देना है, यानी कि तीन और सात पर, ऐसे नहीं। एक तरीका होले थोड़े, इंक्लाइन प्लेन पर लगाना है वो छोटा वस्तु पर, एगो पूरा सिस्टम पर किधर? एक्स देने। इतना सा आपका काम चल जाएगा, सही है? अगर बेसिक से सीखना है तो फिर वही तीन से निकाल लो टी का, चार से निकाल लो एन का, विमान कहां रखो? वन में। फिर हम बता रहे हैं आपको ये काम करना है कि यहां से किसका मान निकालें? टी का, और यहां से मान निकालें एन का, और मान निकाल के कहां रखना है? एक में, और चेक करना है कि ए का मान इतना आता है कि नहीं। अगर आएगा तो बता रहे हैं कि फिर तुमको भी लगे हाँ सही सॉल्व किया, हमको भी लगे हम भी सही सॉल्व किए, नहीं तो की पता सही आंसर कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो एक बार चेक कर लेना थोड़ा सा जब जाएगा तो, एक बार हो गया ना क्लियर? तो देख लो ए का मान निकल गया तो बी का मान निकलते कि नहीं? हाँ, बी बराबर टू ए, बी बराबर टू ए। और फिर इसका आंसर बता दे क्या आएगा कि B और A का वेक्टर सम, B और A का कई डिग्री पर? 180 माइनस थीटा, इसे कहते हैं P और Q थीटा पर रहले। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा का रूट ओवर, वैसे B स्क्वायर जोड़ A स्क्वायर जो 2BA cos 180 माइनस थीटा का रूट ओवर, ये मेन आंसर आएगा। फिर A का मान इसमें रखेगा तो T निकल जाएगा, A का मान इसमें रखेंगे तो N निकल जाएगा, N और T दोनों का मान इसमें रखेंगे तो N डैश निकल जाएगा, सही कि नहीं? ये क्वेश्चन है।